हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेको ट्रिक्स पे। जैसा कि आप जानते ही हैं, एसुस ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जेनफोन 5Z, जो कि अभी तक का सबसे सस्ता फ्लैगशिप फोन बताया जा रहा है। और इसी कारण इसको वन प्लस इसका टफ कॉम्पिटिटर बताया जा रहा है। और लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है कि कौन सा फ़ोन उनके लिए बेहतर है, बेस्ट है। तो इसीलिए हम आज आपके लिए दोनों फ़ोनों का कंपेरिजन लाएँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर रहेगा और बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन की डिस्प्ले। वन प्लस सिक्स में आपको मिलता है 6.28 इंचेस का फुल HDR प्लस डिस्प्ले विथ 19.9 एस्पेक्ट रेशियो, जो कि एमोल्ड पैनल DCI-P3 कलर डिस्प्ले है। और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोवाइड किया गया है। वहीं अगर बात करें Asus Zenfone 5Z की, तो इसमें आपको 6.28 इंचेस का फुल HDR प्लस डिस्प्ले मिलता है विथ 19.9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और जो कि IPS LCD DCI-P3 कलर डिस्प्ले के साथ प्रोवाइडेड है विद गोरिल्ला ग्लास 3। जैसा कि आपने देखा, दोनों फोनों की डिस्प्ले में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर बात करें वन प्लस सिक्स की, तो उसमें आपको एमोल्ड पैनल की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है विद गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि जेनफोन 5Z की डिस्प्ले से और ग्लास से बेहतर है। आइए अब बात करते हैं मोबाइल के कैमरे की। अब बात करते हैं वन प्लस सिक्स के कैमरे की। वन प्लस सिक्स में आपको ड्यूल रियर कैमरा प्रोवाइड किया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल विथ सोनी IMX 519 सेंसर एंड अपर्चर 1.7 दिया गया है। वहीं पे सेकेंडरी कैमरे में आपको 20 मेगापिक्सल सोनी IMX 376 के सेंसर विथ 1.7 अपर्चर प्रोवाइड किया गया है विथ ड्यूल LED फ्लैश के साथ। वहीं अगर हम बात करें Zenfone 5Z की, तो उसमें आपको ड्यूल रियर कैमरा प्रोवाइड किया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल सोनी IMX 363 सेंसर है विथ 1.8 अपर्चर के साथ। और सेकेंडरी कैमरे में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल विथ 2.2 अपर्चर प्रोवाइड किया गया है, वो भी ड्यूल LED के साथ। फ्रंट कैमरे की, तो उसमें आपको वन प्लस सिक्स में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा प्रोवाइड किया गया है विथ सोनी IMX 376 सेंसर के साथ। और वहीं Zenfone में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा प्रोवाइड किया गया है। बात करते हैं दोनों फोनों के कैमरों की। वन प्लस सिक्स में आपको बेहतर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि इसमें आपको सोनी के सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं फ्रंट और रियर दोनों कैमरों में। लेकिन अगर आप पैनोरमा और साथ ही साथ वाइड एंगल कैप्शन के शौकीन हैं, तो आपके लिए Zenfone 5Z ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर की, जहां आपको वन प्लस सिक्स में स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टा कोर 2.8 GHz विथ AI बूस्ट एड्रीनो 630 ग्राफिक्स के साथ प्रोवाइड हुआ है। वहीं सिमिलरली आपको Zenfone 5 में भी सेम प्रोसेसर प्रोवाइड हुआ है, स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टा कोर 2.8 GHz विथ AI बूस्ट, साथ में एड्रीनो 630। जैसा कि आपने देखा, दोनों फोनों में लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी मदद से आप हैवी से हैवी गेम जैसे एक्सपर्ट 9 हुआ, GTA हुआ खेल सकते हैं, साथ में मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मोबाइल्स की अदर फीचर्स की, लाइक बैटरी, OS एक्सेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस सिक्स की बैटरी की। इसमें आपको 3300 mAh की फास्ट चार्जिंग बैटरी प्रोवाइड की जाती है। अनलॉक ऑप्शंस में इसमें आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आपको एंड्रॉइड 8.1 विथ ऑक्सीजन OS 5.1.3 प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं Zenfone 5Z की। इसमें आपको 3300 mAh की AI एंड शेड्यूलिंग चार्जिंग की बैटरी प्रोवाइड की जाती है। साथ में अनलॉक ऑप्शन में इसमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक ऑप्शन है। और साथ में और ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड ओरियो विथ Asus Zen UI। तो बात करते हैं दोनों फ़ोनों के बैटरीज की, तो दोनों फ़ोनों में आपको सेम बैटरी प्रोवाइड की गई है। लेकिन Zenfone 5Z में आपको ज़्यादा प्रोटेक्टिव बैटरी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि इसमें आपको शेड्यूलिंग चार्जिंग विथ AI दी गई है, जो कि आपकी बैटरी की लाइफ लॉन्ग टर्म करती है, बढ़ाती है। आइए अब बात करते हैं दोनों फ़ोनों के लॉक्स की। तो इसमें आपको फेस अनलॉक की बात करें, तो Zenfone 5Z का फेस अनलॉक थोड़ा स्लो है वन प्लस सिक्स के कंपैरिजन में। और वहीं पे OS में भी Zenfone 5Z का OS एक कदम पीछे वन प्लस सिक्स के iOS से। वन प्लस सिक्स में आपको तीन वेरिएंट प्रोवाइड किए गए हैं। पहला है 6GB रैम प्लस 64GB रोम 34,999 रुपये में, दूसरा है 8GB रैम प्लस 128GB रोम 39,999 रुपये में, और तीसरा है 8GB रैम प्लस 256GB रोम 43,999 रुपये में। वहीं बात करें Zenfone 5Z की, तो इसमें भी आपको तीन वेरिएंट प्रोवाइड किए गए हैं। पहला है 6GB रैम प्लस 64GB रोम 29,999 रुपये में, दूसरा है 8GB रैम प्लस 128GB रोम 32,999 रुपये में, और तीसरा है 8GB रैम प्लस 256GB रोम 36,999 रुपये में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों फोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, जिस कारण वन प्लस सिक्स Zenfone 5Z से
बहुत पीछे रह जाता है प्राइस वेरिएंट में। तो अब बात करते हैं दोनों फ़ोनों में आपको कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप छोटी मोटी जो डिफरेंसेस है दोनों फ़ोनों के उनको अगर नेगलेक्ट कर दे तो मेरे हिसाब से Zenfone 5Z आपके लिए बेहतर रहेगा और बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप पैसों में कटौती नहीं करना चाहते हैं तो OnePlus 6 भी आपके लिए बेटर फोन है। आज के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपनी राय कमेंट में देना न भूलिए।